देखो हम जैसे है ना वैसे ही है, तो हमने ना ब्रेकफास्ट करने के बाद फोटो खींचने लगे, पर इनके कॉलेज में यार घूम घो गए भाई। हेलो हेलो, इन्होंने मुझे बहुत सारी जगह बताई है घूमने के लिए, और मुंबई का बेस्ट फूड जो महावीर नगर में मिलता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने डिनर में बहुत अच्छी मेरी फेवरेट चीज बनवाई है। आप भरोसा नहीं करोगे, जेनुइनली आधे घंटे से ज्यादा सिर्फ 4 घंटे खेल रहे हैं। हम ना सोच रहे थे कि रात को निकलेंगे और फाइनली हमारे मुंबई का पहला बड़ा पाव खाया जा रहा है। कैसे मेरे ब्लॉग्स के जाने वालों, ब्लॉग सीरीज का 77 सीरीज का सेकंड एपिसोड यहाँ पर शुरू हो रहा है, और आप देख सकते हैं हम तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मुंबई, और जहाँ हमें जाना था वहाँ भी पहुँच चुके हैं। तो ये रहा कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी का बीके श्रॉफ कॉलेज, और यहाँ से हमारे सारे लोग जाने वाले हैं। एवरीवन इज रेडी मैम, सब कोट पहन के देखो एकदम तैयार से गाइस। यहाँ पर हम कैंटीन में पहुँच चुके हैं। करण भाई हमारा बहुत वेलकम कर रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। और अब भाई करण भाई हैव सम ब्रेकफास्ट। बिल्कुल, तो कृष्णा क्या क्या मिला भाई किसी का सबसे पहले हमने जो खाने वाले हैं वो है सांबर बड़ा, और बढ़िया चीज है। तो अभी ब्रेकफास्ट खा के साउथ इंडियन फूड मतलब महाराष्ट्र में आके, बट हम इस ब्लॉग में आपको कहीं ना कहीं बड़ा पाव खाते हुए जरूर देखेंगे। देखो हम जैसे है ना वैसे ही है, तो हमने ना ब्रेकफास्ट करने के बाद फोटो खींचने लगे, पर इनके कॉलेज में यार घूम घो गए भाई काम। अब पर मिल गए, मैंने फोन लगा लिया भाई मिल गए, बट ना हमारी भाला मैम ना बहुत डांटती। अभी रात में ना हम लोग ना रात में इसमें ये खेलने आएंगे क्योंकि हमारे शेड्यूल में मेंशन है, तो बहुत मजा आएगा यहाँ पे खेलने में। फाइनली हमारे ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी लेक्चर्स होंगे या सेशंस होंगे वो इस वाली बिल्डिंग में होंगी, आप देख सकते हैं, और बहुत फन होने वाला है। क्रिस्टीना आर यू रेडी? नहीं, तुम्हारा फ्लोर यार वैसे मस्त है यार, तुम लोग मेरी क्लास में लेके जाते हो। जनरली यार तुम्हारे क्लासेस तो बहुत अच्छे हैं। दिस इज द ऑडिटोरियम। ओके सो अच्छा इसमें क्लास है, कौन सी डेस्क पे बैठते हो तुम? ये तुम्हारा क्लास है? दिस इज कॉन्फ्रेंस रूम। हमारा वेलकम शुरू हो चुका है और बहुत ही बढ़िया वेलकम हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड। तो गाइस दिस इज द कॉलेज वीडियो, हमारा यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, एंड दे आर शोइंग देयर कॉलेज एंटायर वॉट एवर दे हैव इन द इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली। सो दिस इज अ वीडियो, द होल डिपार्टमेंट इज ओवर देयर। सूर निरागस हो, सूर निरागस हो गणपति, सूर निरागस हो। लावनी परफॉर्मेंस महाराष्ट्र की वन ऑफ द मोस्ट नोन परफॉर्मेंस को बोलते हैं। का फर्स्ट सेशन जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो बाकी हमारे सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं लाइन से, और सामने स्टार्ट हो रहा है। जो सुबोध सेन गुप्ता जी हैं वो हैं फाउंडर हैं रूरल डिज़ाइन के, बेसिकली बहुत सारे जो इंडस्ट्री में आपने कैंपेन देखे होंगे, कैडबरी के, होंडा के, जितने भी बड़े बड़े कैंपेन्स हैं थम्स अप के, तो वो सारे उसको इन्होंने दिए, मतलब इनको एड ब्लू बोलते हैं। वी आर डन विद द हाफ सेशन, हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं सेशन के, अभी तीसरे हमारे गेस्ट और शक्ल बिल्कुल हो चुकी है। देख सकते हो गाइस हमारे दो लेक्चर्स के बाद अभी और लेक्चर है, पर ठीक है इंटरेस्टिंग है। तो इनकी दो बिल्डिंग्स ही हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, और हमारी तो एक ही है, ऊपर से नीचे ही आना होता है बस, एक फर्स्ट फ्लोर से। मेरे पीछे दो लड़के बैठे थे, एक लड़का एक लड़कियां। क्योंकि आपका जो कॉलेज है ना वो व्हाइट हाउस जैसा है कुछ, मैंने कहा हाँ नहीं मैंने कुछ कहा ही नहीं। गाइस मेरा बहुत सारी चीजें मिली, टीका ही का भी लगा था तो मैंने छूट गया, मैं भटकता रहता हूँ मैं। तो एक ये मिला था वेलकम किट, दिखाओ क्या क्या मिला। अबे यार तुम्हारा बढ़िया पिंक पिंक, व्हाट डू यू मीन बाय 10 रुपए की?
चेरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए इसमें. कॉन्टेक्ट लिस्ट कह दो कॉन्टेक्ट लिस्ट की फोन डायरी है उसमें मैसेज भी है कुछ. या पढ़ लीजिए पॉज करके. इतना टाइम नहीं हमारे पास. वी आर वेरी बिजी एज ऑलवेज. क्रिस्टीना सबसे आगे रहती है खाने में. तो क्रिस्टीना बताओ क्या क्या है भाई. ये दाल है एंड आई थिंक दिस इज पनीर. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पोले, मतलब इनको क्या बोलते, चिप्स बोलते ना, पापड़ बोलते हैं बेसिकली. हाँ तो बेसिकली हमारे यहाँ पोले बोले जाते हैं. पोले यू नो पोले. ओह वेरी इंटरेस्टिंग राइट. कुछ अलग तरीके का है ना ये. या सो मसालेदार तो बहुत दिख रहा है. मज़ा आएगा. ये मतलब मुंबई का खाना हम कुछ 6 दिन अलग कुछ खाने वाले हैं है ना. वेरी सीरियस बच्चे कितने सीरियस होकर व्लॉग बना रहे हैं. हद हो गई यार. अकेले देखो पूरी टेबल गाइस खाली है. मैं आया जैसे अभी और क्रिस्टीना हमारी पहली शुरू हो गई. उसने रोटी भी तोड़ ली और खा भी ली. बट अभी तुमने जो गलत बताया उसको करेक्ट करो. दही बल्ले हैं और मतलब टेस्टी होते हैं बहुत ज़्यादा. हाँ यस प्लीज बताओ. अबे दही खाया भी तुमने, बल्ले भी तो खाओ. नाइस. तो गाइस आज के सारे सेशंस खत्म हो चुके हैं और वी ऑल आर रेडी टू मूव फॉर अ हैवी टी ब्रेक. हाई टी ब्रेक. यहाँ पर बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं थोड़े से सेशन के बाद. या हेलो एक बार सब लोग अपने नाम बता दो. सॉरी नेम अफनी फ्रॉम थर्ड ईयर. फ्रॉम थर्ड ईयर. या एंड नेक्स्ट शी इज रिया. शी गॉट टू कनेक्टेड विद रिया कनेक्टेड विद माय इंस्टाग्राम. शी इज कनेक्टेड विद माय इंस्टाग्राम बाय द ओके. सो गाइस इन लोगों ने ना बहुत सारी मेहनत करी है. दिस इज द कंप्लीट टीम जो यहां पर हमारा वेलकम करने के लिए रेडी थी. फुली डेडिकेटेड. हेलो. इन्होंने मुझे बहुत सारी जगह बताई हैं घूमने के लिए और मुंबई का बेस्ट फूड जो महावीर नगर में मिलता है. आई गॉट टू नो विद दिस. सो आज हम जाने वाले हैं ना रात को और एक घूमने वाली जगह बताई थी आपने. नियर बाई चर्च एनी थिंग लाइक. या चर्च पे है एक नियर बाई जगह जो हम यहाँ जा सकें, मतलब कुछ ऐसा. शूट आपने बोला ना थोड़ा दूर. ओके तो गाइस जी देखो कितना मतलब वेलकम हो रहा हमारा कि अभी घड़ी में कितने 7:14 से ज़्यादा हो चुके हैं और सारे के सारे रुके हुए हमारे लिए. यार थैंक यू सो मच गाइस. अभी 7 दिन मतलब 6 दिन जितने दिन हम लोग रुकेंगे यार इतना इतना वेलकम कर रहे हैं और हमारे से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. शायद कर सकते हैं ना कृष्णा ही हमारे से एक्सपेक्ट. हाँ हम लोग मतलब इनको देख के तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज. डिनर का टाइम हो चुका है और डिनर में ना लेजिटली बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है क्योंकि वो मेरी फेवरेट है. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने ना डिनर में बहुत अच्छी मेरी फेवरेट चीज़ बनवाई है. पाव भाजी लेजिट. थैंक यू. पाव भाजी आ गई भाई मज़ा आ जाएगा. तो ले आओ प्लीज़ और ले आओ. ये सजल को थोड़ा सा नहीं खाना है. कोई बात नहीं देखो लगे पड़े हैं. आज तो जानवरों की तरह खा रही है कृष्णा. सो गाइज अभी तो ये फन हो जाए. अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, घर वापस जाने वाले हैं कि ब्लॉग ऑफ करें कि ब्लॉग अभी चालू रखें. ओके तो हम लोग रूम पे जाके ब्लॉग को एंड करते हैं. गाइज ये कोई गेम खेलना है. ये यूनो करके कुछ गेम होता है. मैंने तो खेला नहीं. हमारे यहाँ तो लकड़िया खेलते थे भाई. एनिवेश लकड़िया खेली तूने? अरे नहीं लकड़िया भाई ताश जैसी. ताश से खेलते थे लकड़िया. हाँ ये थोड़े बच्चों वाले हैं मॉडर्न जमाने. या इसमें कुछ रंगीन का नंबर होते हैं. सुबह से 6 थे ये निकल गया 5 मिनट के अंदर. उसके बाद आप भरोसा नहीं करोगे जेन्युइनली आधे घंटे से ज्यादा सिर्फ 4 बंदे खेल रहे हैं. चार बंदे खेल रहे हैं. ये बंदा ये हमारा प्यारा बच्चा वहाँ सो रहा था. जागा है. जागने के बाद आधा घंटा कम से कम वेट कर रहे हैं. इंतजार किया भाई कि अब खेलेगा. इंटरेस्टिंग है अब खेलेगा. ये भैया हमारे मैच बढ़ाए जा रहे हैं. सो एज वी डिसाइड कि हम ना सोच रहे थे कि रात को निकलेंगे और फाइनली हम और अनिमेश ना. अबे अनिमेश को कितनी क्यूट बिल्ली मिल गई. अनिमेश तुम तो बहुत सारा यार पैक करा के ले आए. अभी 11 कॉफी है. कॉफी पैक हो रही यार. यहाँ पे भी कुदुम्बर बड़ा वो जो भी बोलते हैं वो मिल रहा था. इडली मिल रही थी. हाँ अब ये मत बोलना वो भी लेना है प्लीज़. वैसे सब खाने के लिए एकदम तैयार है भाई. फोन आ गया 2-3 बार.
हमारी कॉफी और पैक हो जाए बस। यार हम कितने डीट हैं, हमने डाबाला मैम से नीचे डांट खाई और 12:30 बजे और उसके बाद खा रहे हैं भाई। महफिल देखो, मुंबई का हमारी मुंबई का पहला बड़ा पाव, पहला बड़ा पाव खाया जा रहा है भाई साहब रात के 12 बजे। मजा आ गया भाई। कॉफी, ये कॉफी नहीं है, ये शॉट्स है कॉफी के। हाँ मस्त लग रहा है ना पारस, मजा आ गया। अभी दावेली है, ये बेसिकली दावेली के लिए सामग्री रखी हुई है। ये देखो, ये है बड़ा और उसके पीछे है पाव, मिला के बनाएंगे बड़ा पाव। सो गाइस हम तो खा रहे हैं बहुत सारा खाना। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग एपिसोड नंबर 3 डे 2 ऑफ मुंबई। अभी हमें खाने दो, मजे करने दो। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।